नहीं सर, ऑफिशियल में भी सर। तो यहाँ पे जो है सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एफ एन बी द डिटर्मिनेंट ऑफ द वन वन माइनस वन ट्राई डायगनल मैट्रिक्स इन क्रॉस एन। सो ऐसा बता रखा है ना, ये ट्राई डायगनल है, ठीक है। तो बाई एक्सपैंडिंग इन को फैक्टर्स अलॉन्ग रो वन सो दैट एफ एन इज एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, दिस येड्स अ फिबोनाची सिक्वेंस 1 2 3 5 8 फॉर डिटर्मिनेंट्स। ओके, क्या क्वेश्चन है इसमें? मतलब तो जनरल कैसे देखो, मतलब अगर दो तीन एग्जांपल हो रहे हैं तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। अच्छा, तो एक तो है कि एक तो तरीका है कि इंडक्शन मेथड होता है जहाँ एन इन्वॉल्व है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये सुना होगा तुमने ना। जैसे एन इज इक्वल टू वन के लिए दिखा दिया, एन इज इक्वल टू एम के लिए अज्यूम कर लिए, हैं? तो n इक्वल्स टू m पर दिखाने के बाद अज्यूम कर n लें, इक्वल्स टू m इसको अज्यूम को करते में हैं, एम पे भी अज्यूम दिखाने करते हैं और इस पे शो करते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं। ये इंडक्शन का मेथड है ना। एन इज इक्वल टू वन के लिए वेरीफाई करो, एन इज इक्वल टू के लिए अज्यूम कर लो कि ट्रू है, अज्यूम ट्रू। नाउ यू प्रूव के प्लस वन के लिए दिखा दो, तो अगर इतना कर पा रहे हो दिस इज द प्रूफ। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या, वही मतलब तुम्हें इंट्यूशन ही डेवलप करना है, और नहीं तो एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करके भी दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पूछना क्या चाह रहा है कि एक इस एफ एन को हम लिख सकते हैं एफ एन माइनस वन एफ एन माइनस टू, और फिर वो तो ऑब्वियसली फिबोनाची हो ही जाएगा ना। अगर मैं ये दिखा दूं कि एफ वन हमारा वन है, एफ टू हमारा अगर टू है, और अगर ये सिक्वेंस हमने प्रूफ कर दिया, तो इंडक्शन से ही करना पड़ेगा तुम्हें, इंडक्शन से दिखा दो काम हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, सो उससे हो जाएगा, है ना। तो एन को टू से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बिकॉज एन माइनस टू है यहाँ पे। और यार एन मिनिमम एन क्या दे रखा है इसने, मिनिमम एन कुछ दे नहीं रखा है, सो आई थिंक है ना एफ टू से स्टार्ट होगा ये। एन बता, एन बताना चाहिए ना इसको एन क्या है। सो अच्छा, एन वन लेंगे तो वन क्रॉस वन हो जाएगा, यही ना। एन वन लेंगे सो इट इज़ वन क्रॉस वन मैट्रिक्स, तो एफ वन वन आ जाएगा। एन टू लूंगा तो ये टू क्रॉस टू मैट्रिक्स, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, ठीक है चलेगा। तो वन थ्री के ओके है, एफ वन वन है, एफ टू टू है, एन थ्री लोगे तो ये थ्री क्रॉस थ्री डिटर्मिनेंट हो जाएगी, सो थ्री क्रॉस थ्री यू कैन सिंप्लीफाई, तो ये आ जाएगा वन टू, फिर आ गया थ्री एंड सो ऑन। तो इसको तुम्हें इंडक्शन से दिखाना पड़ेगा, एक इंडक्शन टेक्निक है। और क्या टेक्निक होता है प्रूफ का, तो एन वाले क्वेश्चन में जब भी एन होता है तो एक इंडक्शन टेक्निक है फॉर द एन। सेकेंड इज यू ट्राई टू डिटर्मिनेंट का सम कैसे करोगे, है ना। और सर, मतलब गिल्बर्ट स्ट्रिंग पर सर हर क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है ना, मतलब कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब सब्जेक्टिव टाइप दे हाँ, दे उस टाइप रखा का है। छोड़ सकते हो, थ्योरम टाइप के क्वेश्चन उसको याद रख सकते हो कि ऐसा रिजल्ट होता है, कई बार एग्जाम में उस पर क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, वरना ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जैसे इस तरह के क्वेश्चन हैं, होता है सर, मतलब स्टोरी स्टोरी पूछ रहा है गिल्बर्ट स्ट्रिंग वो पर। सब नहीं, या एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जैसे इन सब में जैसे कोई कहीं की रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेट कर देता है, तो इस तरह का हमारा एग्जाम में क्वेश्चन है। हमारा एग्जाम में आईटी एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केस में वो मैथमेटिकली चीज़ों को जानना चाह रहा है, मैथमेटिकल वे में। इट्स नॉट लाइक कि हमें इसमें अलजेब्रा एप्लीकेशन घुसाएगा, बहुत कम रेयर क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ रियल लाइफ एप्लीकेशन घुसाएगा, इवन स्टैटिस्टिक्स में भी ऐसा नहीं है, बहुत रेयर है ऐसा, ठीक है ना। सो तो मेनली क्या तुम ऐसा ही पर कुछ नहीं करता ना ऐसा, ISI का ऐसे में भी तो मतलब उतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देता जितना गिल्बर्ट स्ट्रिंग पर दिया हुआ है। हाँ, इन लोगों ने, क्योंकि ये लोग एक्चुअली, क्योंकि हमारा बुक तो जैम गेट के लिए बना नहीं है, ये तो जनरल थ्योरीज, ये पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करते हैं ये लोग, तो हमें देखना है कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही कवर करना है, क्योंकि बुक तो यही है, यही मास्टर एमएससी में ही पढ़ाते हैं, यही बीएससी में ही पढ़ाते हैं, लेकिन वो लेवल का डिफरेंस रहता है, किस लेवल तक जाना है आपको। सो यू कैन स्कीप दोस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे तो इन सब क्वेश्चन को याद रखना, मतलब हाँ, जो जनरल रिजल्ट्स फॉर्मूला। अगर है तो याद रखोगे तो ईजी रहता है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो जैसे ये रिजल्ट है, अब कई बार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बना देगा, ये चाहेगा तो 10 क्रॉस 10 का बना देगा, और आपसे वहाँ पूछ लेगा F10 बराबर F9 प्लस F8 होगा, तो
तो जिसको याद है वो डायरेक्ट टिक कर लेगा, नहीं याद है तो फिर वो वेरीफाई करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह से कई बार बना देते हैं वो, मतलब इसी जनरल थ्योरी को एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बना देगा। सो वैसा है, तो अगर जो जनरलिटिकल रिजल्ट है, प्रूफ तो एग्जाम में करने नहीं है, तो आपको याद है टिक करो, नहीं तो आप एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर लो या डिस्कार्ड कर लो, तो वैसे करके एग्जाम में करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अभी के लिए इंडक्शन से प्रूफ हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, उससे करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने की कोशिश करो, देखो क्या होता है एक्सपैंड करने के बाद। तो मुझे लगता है डायरेक्टली आ जाएगा, व्हाट आई थिंक, मुझे लग रहा है मैं एक्सपैंड करूंगा ना तो डायरेक्टली आ जाएगा। क्या होगा, जैसे तुम फर्स्ट, इसमें पहले कॉलम में कितने नॉन जीरो एलिमेंट है, दो? पहले कॉलम में 3-1। नहीं, फर्स्ट कॉलम में कितने नॉन जीरो एलिमेंट है एफ एन के, अच्छा, या फर्स्ट रो में दो ही एलिमेंट है? तो अगर मैं इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो कितने नॉन जीरो टर्म आएगा डिटरमिनेंट में? डिटरमिनेंट के दो। यही दो, यही हो जाएगा, बस तुम ये जस्टिफाई कर दो, यही दो है ये, है ना। वन अच्छा वन ठीक है, इंटू फर्स्ट डिटरमिनेंट, फिर अगला -1 है तो -1 का पोजीशन क्या, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 = 3, ऑड है तो -(-1) ये आ जाएगा। सो मैं यही कह रहा हूँ, दिखा दो कि 1 * ये एफ एन माइनस वन है और ये 1 * एफ एन -2 है, हो तो गया प्रूफ। वहां पर भी प्रॉब्लम आएगा कि उसको FN-1 ही होना पड़ेगा, हाँ FN-1 मतलब। हाँ नहीं वो हो जाएगा, चेक करके देखो, या फर्दर सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ सकती है, मे भी हो सकता है इसको एक बार और एक्सपेंड करना पड़े तुम्हें। मैं तो बता रहा हूँ इस तरह से आ सकता है वो, तो करने के बाद पता चलेगा क्या आ रहा है। एलिमेंट्स लिख के देखो क्या उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये तो n-1 × n-1 हो गया ना, कितने हमने डिलीट किए, एक रो एक कॉलम डिलीट किए, और ये n-1 × n-1, तो आई थिंक एक बार इसको और एक्सपेंड कर दो, तो इस तरह से कुछ बनेगा। पर चेक करके देखो एक्सपेंड करने के बाद, यहाँ से भी तुम्हें आइडिया मिलेगा, मेरे दो टर्म आएंगे ना, फिर बाद में क्या पता इसको एक्सपैंड करोगे मर्ज हो जाए कुछ, सो इस तरह से कुछ बनेगा। अच्छा ठीक है, हाँ तो एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वैसे ही है, या एक इस तरीके से सोच सकते हो, बट करना पड़ेगा, ये प्रूफ है ना। सो एग्जाम में तो नहीं, बट घर पे कर सकते हो, इससे सीखने को मिलेगा। यू कैन एक्सपेरिमेंट दिस, या ऑनलाइन ये क्वेश्चन देख के देखो, वहाँ भी मिल जाएगा, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स में क्या प्रॉपर्टी है। नहीं तो मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, ये तो करके देखो अभी, है ना, मुझे तो घर से भी फोन आ बस गया। ठीक है चलो, अभी यहीं स्टॉप करते हैं, ट्राई करो, थैंक यू।